एव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती Hey.
हाथ में जो पूजे छूटे बंधन, हाथ में जो पूजे छूटे बंधन, वेश तुम्हारा करता है वंदन, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, गौरी दुलारे गौरी दुलारे सुत महेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश। अष्टविनायक तुम हो गजानन, तुम हो गजानन अष्टविनायक तुम हो गजानन, जय सनंदन, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, गौरी दुलारे गौरी दुलारे सुत महेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश। सदन हो मूषक वाहन, धनी 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 मबदनी नवद मबदनी धनी 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 मबद 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 सिद्धि सदन हो मूषक वाहन, देव तुम्हारा करते हैं वंदन, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, गौरी दुलारे गौरी दुलारे सुत महेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश, जय निर्मल नंदन श्री गणेश। घबराए जब मन अनमो और तब मानो तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानो तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, श्रीमा
शरणं गच्छामि जब अशांति का राग उठे लाल लहू का फाग उठे जब अशांति का राग उठे लाल लहू का फाग उठे इंसा की वो आग उठे मानव में पशु जाग उठे धरती की काया कांपे अंबर जगमग उठे बोल तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि श्रीमा शरणं गच्छामि जब दुनिया से प्यार उठे जब दुनिया से प्यार उठे नफरत की दीवार उठे माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे धरती की काया कांपे अंबर जगमग उठे बोल तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि श्रीमा शरणं गच्छामि श्रीमा शरणं गच्छामि दूर किया जिसने जन मन के व्याकुल मन का अंधियारा जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा दीप सत्य का सदा जले दया अहिंसा सदा चले सुख शांति की छाया में जन मन गन का पेड़ पले भारत में भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि ओ साक्षात् श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्ध साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मलादेव्यै नमो नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, श्री आदिशक्त्यै निर्मलमातरं शरणं गच्छामि। ॐ श्री बुद्धाय नमः। ॐ श्री सिद्धार्थाय नमः। ॐ श्री गौतमाय नमः। ॐ श्री महतहंकाराय नमः। ॐ श्री निरहंकाराय नमः। ॐ श्री अमिताभाय नमः। ॐ श्री महावीरोचनाय नमः। ॐ श्री विश्वभद्राय नमः। ॐ श्री अविलोकितेश्वराय नमः। ॐ श्री क्षितिगर्भाय नमः। ॐ श्री आकाशगर्भाय नमः। ॐ श्री मञ्जुश्री नमः। ॐ श्री रागराजाय नमः। ॐ श्री नागरक्षाय नमः। ॐ श्री लोकपाल नमः। ॐ श्री नरेन्द्र नमः। ॐ श्री वैश्रवण नमः। ॐ श्री अचला नमः। ॐ श्री वज्र सत्व नमः। ॐ श्री भेषज नमः। ॐ श्री मात्रेय नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजे श्री निर्मलादेव्यै नमो नमः। आज हम लोग ईस्टर की पूजा कर आज सदियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि ईसा मसीह ने दिखा दिया कि मानव का उत्थान हो सकता, और उस उत्थान के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो उनको क्रूस पर चढ़ाया गया उसमें भी एक बड़ा अर्थ कि क्रूस पर टांग कर उनकी हत्या की गई और क्रूस आज्ञा चक्र पे एक स्वस्तिक का ही स्वरूप है, उसी पर टांग करके और ईसा मसीह वहीं पे
गत प्राण। उस वक्त उन्होंने जो बातें कही उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मां का इंतजार, मां की ओर नजर करो। उसका अर्थ कोई कुछ भी लिखा है पर दिखाई देता है कि उन्होंने ये बात कही कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी शक्ति भेजूंगा जिसके तीन अंगों को त्रिगुणात्मक और उसका वर्णन बहुत सुंदरता से किया है कि एक शक्ति होगी वो आपको आराम देगी। आराम देने वाली शक्ति हमारे अंदर जो है वो है महाकाल की शक्ति जिससे हमें आराम मिलता है, जिससे हमारी बीमारियां ठीक होती, जिससे अनेक प्रश्न जो हमारे भूतकाल के हैं वो सही हो जाते हैं। दूसरी शक्ति उन्होंने दी थी, जो भेजी उन्होंने वो थी महासरस्वती। सो महासरस्वती उन्होंने काउंसलर कहा, मैंने जो आपको समझाएगी उपदेश करेगी, जैसा मैंने योग निरूपण कराया। यह दूसरी शक्ति से जिससे हम ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त होंगे। और तीसरी शक्ति महालक्ष्मी की जिससे कि हम अपने उत्थान को प्राप्त होंगे, रिडम्पशन। इस प्रकार तीन शक्तियों की उन्होंने बात की थी। और बुद्ध ने भी कहा था कि मैं तुम्हें मात्र बेटी, मैंने तीन तरह की मां, तीन तरह की माता या माताएं एकत्रित आई मात्र या लोगों सोनिया मात्र या क्या होता है, मैत्र या करती है। ये जो मात्र या थी ये एक साथ आदिशक्ति नहीं हो सकती और आदिशक्ति को उन्होंने कहा तो जरूर होगा कि प्राइमोर्डियल मदर, लेकिन जिन्होंने बाइबल को ठीक किया उन्होंने उसको होली घोस्ट बना दिया और उसके जगह कबूतर बना दिया, क्योंकि जिन्होंने बाइबल को ठीक किया उनको स्त्री जाति से बहुत नफरत थी और वो विश्वास ही नहीं कर सकती कि कोई स्त्री भी कोई ऐसा ऊंचा कार्य कर सकती थी। उस नफरत के कारण उन्होंने उसका रूप अजीब सा बना दिया, होली घोस्ट। और दूसरी बात कही कि वो एक कबूतर, कबूतर का मतलब है कि वो एक शांति की दूत हो, लेकिन स्त्री की बात ही नहीं कि वो कोई स्त्री होगी या नारी होगी। और अपने शास्त्रों में कहा गया है कि संस्था में महामाया, तो वो महामाया स्वरूप होंगी, लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। पहचानने के लिए भी आपको आत्म साक्षात्कार लेना पड़ेगा। अगर आपने आत्म साक्षात्कार नहीं लिया तो आप पहचान ही नहीं सकते। अपने जीवनी में उन्होंने जितना खुलकर कह सकते कहा, न जाने उसमें से कितनी बातें इन्होंने बताई और कितनी नहीं बताई और छिपाई, तो भी कुछ कुछ सब उसमें प्रकट थे, उसको वो नहीं बदल सके।
सजग के लिए ईसा मसीह का आना बहुत जरूरी है। वो स्वयं एक चिर बालक है और ये तो अब सिद्ध हो गया कि वो गणेश का अवतरण है। गणेश का अवतरण संसार में एक ही बार हुआ और वो ईसा मसीह के रूप में। इन तीनों का कार्य जिसे हम कह सकते हैं बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, जिस स्तर पे हुआ वो स्तर तपस्या, और इसलिए मूर्धा विग्रह विराट के मूर्धा में इन्होंने कार्य किया और तीनों कार्य में तपस्या कर रहे कि मनुष्य को तपस्या करना चाहिए और तपस्या करके ही वो आज्ञा चक्र को भेज सकता है और वहां जा सकता है। आज्ञा चक्र का भेद होना अत्यावश्यकता नहीं तो उसके बगैर आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ नहीं सकती थी। आद्या चक्र का भी ईसा मसीह के उत्थान से, रिजरेक्शन से हुआ। पहले उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनका उत्थान हुआ। सो हम लोगों के लिए एक बड़ा भारी संदेश ईस्टर में कि ईसा मसीह के उत्थान के कारण ही हम लोगों ने इस उत्थान को प्राप्त किया। सबसे मुश्किल चक्र है इंसान में, मनुष्य में आज्ञा चक्र, क्योंकि मनुष्य हर समय सोचते रहता है। सोच सोच के उसके सर में एक मन की बुलबुले की स्थिति बन जाती है और उससे वो परे नहीं जा सकता, विचारों से परे नहीं जा सकता। जब आज्ञा का भेद होता है तभी आप विचारों से परे जाते हैं। इसलिए ये कहना चाहिए कि अगर ईसा मसीह ने अपने प्राण दे करके और आज्ञा से उद्धार नहीं किया था तो सहज मुश्किल हो जाता। कार्य तो सभी अवतरणों ने किया अपने अपने स्थान पे, अपने अपने जगह, अपने अपने समय पे, लेकिन जो कार्य ईसा मसीह के उत्थान से हुआ ये बहुत ही कमाल की चीज थी। इसीलिए आज्ञा का खोलना कोई मुश्किल चीज नहीं, आज्ञा से ऊपर उठाना कोई मुश्किल चीज नहीं। जितने गुरु हो गए, बड़े बड़े महान गुरु, उन्होंने बहुत कार्य करे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें करी जो जिसके कारण लोगों में जागृति हुई, धर्म के और रुचि हुई और आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान आकर्षित हुई। वो अपने देश में आए थे और आए क्योंकि वहां के जहां रहते थे वहां के लोगों की जो दृष्टि थी उसमें सूक्ष्मता नहीं थी, आध्यात्म नहीं था, इसलिए वो हिंदुस्तान में आए और कश्मीर में वो शालीमार राजा से मिले। शालीमार ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ईसा मसीह, मसीह माने जो कोई संदेश लेकर आता, और मैं उस देश से आ रहा हूं जहां सब लेच्छ, लेच्छ मैंने जिनको मल की इच्छा। अब आप देखते हैं कि विदेशी जितना भी कार्यक्रम होता है वो मल की इच्छा करते हैं, लोगों को पता नहीं कैसे मल ही अच्छा लगता है, दम पागलपन ही अच्छा लगता है। आप उनकी फिल्में देखिए तो समझ में आता है कि पागल है कि क्या है। सो हमारे देश में पहले लोगों को लेच्छ कहते थे, माने मल की इच्छा करने वाले लेच्छ, और इनको मल की इच्छा है मैं वहां कहां जाऊं, मेरा तो देश यही है क्योंकि मैं आध्यात्म। तो शालीमार ने कहा कि आप इतने पहुंचे पुरुष हैं तो आप वापस और अपने ही देश
एक शब्द उन्होंने कहा कि निर्मल तत्व प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी वो लोगों को सिखा। बहुत जल्दी अगर आपने निर्मल तत्व वहां बना दिया तो लोग जो है लिच तरह से छुटकारा पा वो गए वापस सिर्फ किसी तरह से 3.5 साल रहे और फिर उनको पकड़ के क्रॉस पे चढ़ाया। वो उनको विदित था, वो जानते थे कि ये करना जरूरी है, लेकिन जिस शाह से उन्होंने अपने प्राण त्याग एक अद्भुत व्यक्तित्व तो था ये जाहिर होता। और इतने थोड़े से साल में 3.5 साल उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कार्य किए हैं वो बहुत महान है। ये जरूर है कि वो किसी को आत्म साक्षात्कार देने का, क्योंकि उस वक्त ऐसे सत्य को खोजने वाले नहीं थे जैसे आपको मेरे नसीब अच्छे हैं। और इसलिए ये कार्य जो हुआ वो आत्म साक्षात्कार के पहले का कार्य हुआ, माने ये कि लोगों ने जाना कि इस मनुष्य जीवन से परे भी कोई और जीवन है। उन्होंने उसमें कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना, खुद भी उनका उत्थान फिर से जन्म लेगी और अपने यहां भी कहते हैं कि दूसरा जन्म जैसे एक अंडे से पक्षी निकलता है उसी प्रकार जब होता है तभी उसे बीज कहना चाहिए, जिसका दूसरे बार है और जब उसका परिवर्तन हो जाता पूरी तरह से और उसमें पूर्णतया शक्ति आ जाती है तो संसार में कहीं भी उड़ के चला जाता, उसके पास सारी संचार शक्ति आ जाती। आपको तो मालूम है कि साइबेरिया से पक्षी उड़ करके किस तरह से हिंदुस्तान आ जाड़े में यहाँ आते और गर्मियों में वहां जाते, ना उनके पास कोई रडार है ना एरोप्लेन है कुछ नहीं, कैसे आते बराबर उसी जगह आते, जिस तालाब के पहले आते थे उसी जगह आते, उनके बच्चे भी वहीं आते। एक बार इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ बच्चों को छुपा तो उन्होंने खोज निकाला अपने बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को खोजा भी नहीं था, वो उड़ के बराबर चले आए सीधे हिंदुस्तान। उनका कोई अगुआ नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था, वो आ गए ठीक से। इसे कहते हैं कि परमात्मा ने सारी व्यवस्था सारे संसार में इतनी सुंदर कर दी, वो किस लिए कि हम अपने रेजरेक्शन को प्राप्त करें। मैं तो इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूं, कितने लोग आज आप यहां बैठे हैं, ऐसे ईसा मसीह के सामने कहा था और इससे हजारों गुने और जगह लोग हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ईसा मसीह के सामने ये सब लोग नहीं थे और नहीं कोई जानता था कि आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना क्यों जरूरी है। आज भी अपने देश में भी ऐसे हैं अन्य लोग जो नहीं समझते इस बात, पर हमारे यहां जो महान गुरु हो गए उनकी वजह से एक बड़ी भारी समस्या दूर हो गई है कि लोगों को इसके बारे में मालूम। सब जानते हैं कि हमें दूसरा जन्म लेना है, अपने को पहचानना है। सारे ही इतने सूफी लोग हैं यही बात कहते हैं, इतना ही नहीं पर जो कुछ भी शास्त्र लिखे गए कोई से भी धर्म है उसमें भी यही बात कहते हैं। आज का दिन इसलिए हमें मुबारक है कि आज तो बंगाल का नया साल है और इसीलिए इसके पुनरुत्थान की भी बात हो सकती है।
ये पुनरुत्थान आज बंगाल में हम लोगों ने जो मनाया है, इसका जरूर फायदा बंगाल में होगा। यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला बंगाल देश के महान देश प्रेमी त्यागी लोग, जिन्होंने सारे देश के सबको एक बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचाया था, आज हुई कहा से काम करके चले जा रहे हैं। विदेशी व्यवस्था खत्म हो गई, चले गए, लेकिन अब कहीं अधिक हम लोगों ने विदेशी संस्कृति को लेना स्वीकार किया और उसको लेकर के हम ये भी नहीं सोचते कि वो लोग कहां पहुंचे हो। हम लोग ये जानते नहीं कि इन लोगों की क्या दशा, ये कहां पहुंचे, इन्होंने क्या पाया हुआ। बहुत से ईसाई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ईसा मसीह इंग्लैंड में पैदा हुआ था और उनके लिए धोती पहनने वाले हिंदू बनना है। इस प्रकार की विचित्र कल्पना है हमारे सर में बैठ गई है और हम सोचते हैं कि अंग्रेजियत लेने से हम लोग ईसा मसीह को बहुत नजदीक से देख सकें। जिनको उन्होंने मेच कहा उन्हीं को हम लोग आदर से देखते हैं। वो लोग अब समझ रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, हमारे धर्म की और दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध है और यहाँ के लोग बहुत जल्दी सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपने देखिए। लेकिन सहयोगियों को चाहिए कि आपस में पूर्णतया मेल मुलाकात करें और ये जो उत्थान का संदेश है वो हर जगह पहुंचा, क्योंकि आज आपका देश जिस दशा में है उसकी दशा परिवर्तन के सिवाय ठीक हो ही नहीं सकती, आध्यात्म के सिवाय ठीक हो नहीं सकती है। आप कुछ भी कर लिए, आकाश में केवल लगाने से हो नहीं सकता। इसी प्रकार कोशिश ये करनी चाहिए कि एक एक आदमी को सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताते हैं और हम कितने लोगों को सहयोग देते हैं। ईसा मसीह बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था और सिर्फ 12 उनके शिष्य थे, उसमें से भी कुछ आधे अधूरे कोई ऐसे वैसे, उस पर भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी और एक बड़ा भारी संदेश अपने उत्थान से हमारे जीवन से देते। पर वो जो संदेश बाह्यता हमें दिखाई देता है वो वास्तविकता हमारे आज्ञा पर काम करता है और आज्ञा पर काम करके ही हम लोगों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है जहां हम ब्रह्मरंध्र तक छेद पाए। उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की, बुद्ध ने हमेशा करुणा की बात की, उन्होंने हमेशा क्षमा की बात की कि आप सबको क्षमा करें। वो खुद मुझ पर चढ़ के कहते थे प्रभु इन सबको माफ करो, ये जानते नहीं है लोग क्या, इसलिए इनको माफ कर दो, हम दिए। ऐसी दशा में जबकि लोगों ने उनको कीले से ठोका था और सर में कांटों का मुकुट चढ़ाया था, उस वक्त भी उन्होंने कितने प्यार से बात कही कि प्रभु इनको सबको माफ करो क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या।
ये आज्ञा चक्र की कमाल है। इसीलिए आज्ञा चक्र पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग सबको माफ करते, एकदम माफ करते। आधे विचार तो हमारे अंदर ये चलते हैं कि इसने हमें सताया, उसने हमें सताया, इसने हमें परेशान किया, उसने हमें परेशान किया, उसको मैं कैसे छुपाऊं। ये सब कर हम परम चैतन्य को समर्पित कर दें तो हम इसका इलाज कर दें। मैं खुद आपसे बताती हूँ, बहुत डरती हूँ, कोई गड़बड़ काम करते हैं सहयोग में तो मुझे घबराहट हो जाती है, कहते तो क्या ही छा बस, क्योंकि इधर तो ईसा मसीह बैठे हैं, उधर गणेश जी बैठे हैं और हनुमान और भैरवनाथ, इन चार के चक्कर से छूट नहीं पाए। कोई गरासी गड़बड़ करता है, पैसे में गड़बड़ करे, काम में गड़बड़ करे, तो मैं बस संवारती रहती हूँ उसको, बाबा इस पर कोई आफत ना चाहिए। क्योंकि जब आप पवित्र चीज में आ गए, देखिए यहाँ एक सफेद चादर, इस सफेद चादर में कोई भी दाग पड़ जाए तो फौरन दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको एकदम निर्मल कर दे और आपके अंदर अगर कोई दाग दिखाई तो वो फौरन पकड़ लेंगे और आपको ठीक करने के लिए न जाने कि आपको सजा दे। ये बड़ी मुश्किल है। हालांकि अपने समय तो उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन हमारे बारे में उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए चाहे आप जो भी करें, लेकिन आदिशक्ति के बारे में अगर कुछ करिएगा तो मुझसे बुरा नहीं है। और मैं देख रही हूं करके बहुत गड़बड़ है, वो नहीं सहन कर सकते। अगर आपने मुझे मां माना है तो मैं उसका मान रहा हूं, और जब लोग सताते भी हैं तो मैं कहती हूं एक बार मुझे मारना कोई हक नहीं, लेकिन ये लोग नहीं इसको समझते। इसलिए आज ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो उत्थान हुआ है, अर्थात यह आपकी गुरुजन्म की बहुत बड़ी साधना, गुरुजन्म की बहुत बड़ी मेहनत, श्रद्धा, उसके फलस्वरूप जो हो तो भी इस जन्म में जब आपको ये विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है, बहुत ही अप्रतिम, जो कि लोग सोचते कभी हो ही नहीं सकता, ये जो आपने प्राप्त किया है इसमें आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि आप कोई गलत काम न करें, कोई सा भी गलत काम न करें, क्योंकि वो गलत काम करने से आपकी जो निर्मलता है वो एकदम पकड़ रहा है। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, पर वास्तविकता बता रही कि जो भी करो वो अत्यंत प्रेम से उसका आनंद उठाते हुए, हो सकता है कि आपको कोई परेशान करे, कोई बात कितनी देर परेशान करेगा, जिसने परेशान किया उसका ठिकाना हो जाता है। इसलिए आप किसी भी स्तर पर भूलना नहीं, किसी भी प्रांगण एरिया में भूलना नहीं कि आप एक सहज हो। पहले जमाने में कितने सहज हो बताइए, एक एक सूफी वहां हुआ अनुगामी तो उनकी गर्दन काटने को शाह निकल आए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे सामने घर सर झुकाओगे नहीं मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा, दूसरे दिन उसकी गर्दन कट। सोगर कोई ऐसा हो भी तो डरने की कोई बात नहीं, अगर डरना तो ये करना कि ये प्रभु इसको बचाओ, इसका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि तो आप लोग परमात्मा के साम्राज्य और जैसा हाल नहीं, इसको याद रखते हुए इसे मद्देनजर रखते हुए समझना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं, आप पूर्णतया सुरक्षित है, और इस सुरक्षता में आप क्यों परेशान हो,
ईसा मसीह क्रूस पे भी जब परेशान हो गए तो ऐसा कौन आपके पवार आया हुआ है। बहुत से लोग आते माँ हमें एक प्रॉब्लम आया, हमें ये प्रॉब्लम आया, इसका मतलब आप सर्जरी नहीं दे। सीधा समीकरण ये बैठा है कि आप सर्जरी नहीं, जो सर्जरी होगा उसको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप बैठे हैं एक बड़ी ऊंची जगह और प्रॉब्लम यहां नीचे खींचते रहते हैं, उसको देखना मात्र है। पर अगर आप हम समय प्रॉब्लम करते रहे तो सोच लेना चाहिए कि कुछ कमी है आप, तो फिर ध्यान करें, धारणा करें और अपने अंदर धारणा करें कि हम सहयोगी एक उससे हमारे अंदर जो एक शांति का भाव और एक आत्मविश्वास पूर्णतया प्रतीत होता है वो लोग भी समझते हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ झगड़े की जरूरत नहीं, चुप्पी लगा ली आपने, चुप्पी लगा ली तो सारा परम चैतन्य जो है वो संभाल लेगा और एक से एक धुरंधर बैठे हो। लेकिन अगर आप ही में दोष है तो कहेंगे इसको डुबकिया लगा दो चार। इस प्रकार आज हमें ईसा मसीह की एक छोटी सी नीति 33 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वो मरी क्या थी बेचार, भटकते रहे, भटकते हुए हिंदुस्तान भी आ गए और कितना जीवन में उन्होंने कार्य किए, उनका नाम लेकर के न जाने लोगों ने क्या क्या बनाया, कितनी तरह तरह की संस्था बनाया, ये करना वो करना, झूठ है सर, गड़बड़ है, पर कितना उन्होंने कहा, उनके मुंह में भी गलत गलत चीजें रखती गई और इस तरह से लोगों ने एक झूठी संस्था भी बना ली। पर इस बाह्य धर्म में कुछ रखा हुआ नहीं, अब आप इसे देख सकते हैं। जिस हीरे को इन्होंने ढक दिया वो हीरा आपके दर्शन में रहा और वो आपके आज्ञा में कार्यान्वित, आपकी क्षमा शक्ति जितनी बढ़ जाएगी उतना ही आप देखिएगा कि सहस्त्रार में चलते हैं। अब ईसाई लोगों का मुश्किल यह है कि वो पैदा हुए ईसाई तो हम उनको ईसाई सोचता है या ईसा की माई सोचती, उससे आगे नहीं चल सकते, वो प्यार भी उड़ा देते। हिंदुओं का भी ऐसा, हिंदुओं का बस कृष्ण मालूम है, शिव मालूम है, उसी में खुले रहते। अरे भाई आप इससे परे हो गए, उठ गए, अब आप स्वयं ही पार हो गए, सूफी हो गए, तो इन सब चीजों में जो सार है उसको याद कीजिए और हर एक चीज में सत्य को खोजिए। बहुत सी चीजें असत्य हैं, इन सब धर्मों में बहुत सी चीजें असत्य हैं। जैसे ईसाई धर्म में आप आपको बता सकते हैं, कोई बात जूस में भी है मुसलमान में, कि जब आप मर जाएंगे तो आप अपने को गार्ड, अपना शरीर गार्ड चलाइए और जब आपका रिजरेक्शन माने पुनरुत्थान होगा तो यही जो आपका शरीर है यह बाहर निकल के आएगा और आपका पुनरुत्थान हो जाएगा। अगर आप परमात्मा के नाम पर मरे हैं और उनका आपने अपना जीवन उसके लिए आपने त्याग, आप सोचिए 500 साल बाद क्या चीज बाहर आई, अगर आपको गाड़ दिया जाए इसे पूछना चाहिए तो 500 साल बाद क्या कुछ हड्डियां वड्डियां बाहर आएंगी तो उसका पुनरुद्धार कैसे होगा। और ये विश्वास बहुत लोग करते, इसका विश्वास इतना गहरा है कि हमारे पास कुछ लोग आए थे बोझनिया से, तो मैंने कहा क्यों मरे जा रहे हो, छोड़ो तुमको तो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें निराकार में तुम्हारा विश्वास है, तुम किस लिए इसके लिए लड़ रहे हो, जमीन के लिए क्या मतलब। तो उन्होंने उन्हें कहा कि हमारे तो शास्त्र में लिखा अगर तुम भगवान के नाम के लिए मरे तो ऐसा ऐसा होगा,
पहले मैंने कहा इसका भगवान का नाम कहा है मुझे बताओ। फिर दूसरी बात ये बताओ कि तुम कर मर गए और 500 साल बाद अगर हुआ रिजरेक्शन तो अंदर से क्या निकलेगा? उनके कब्रों में जा करके सारी जमीन तू मिले थे उसका भूत बनते रहते। उस मामले में मैं कहती हूँ कि अपने शास्त्र कि मरने के बाद आत्मा जो है वो निकल जाता है और जो जीवात्मा है वो फिर से जन्म लेता है। वो तो ठीक बात है क्योंकि जीवात्मा मरता है लेकिन शरीर 500 साल बाद उसका पुनरुत्थान होगा ऐसी बात का विश्वास करना महामूर्खता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने महामूर्खता को लेकर के ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज इसराइल में मारामारी हो गई तो कल और जगह हो गई। हर जगह एक आफत मची हुई है धर्म को लेकर। जहां जाओ वहां धर्म से चढ़ाई हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि कोई सा भी धर्म अलग सब एक से एक जुटे होने हैं और ये तो खुद ही दिखाई देता है। इस सभी लोगों ने इसे पहले हुए लोगों का वर्णन किया। फिर ये झगड़ा था ये लड़ाई थी इसलिए कि कुछ लोग हैं वो अपने को कहते हैं हमारी मतदारी हम धर्म बात कर और जो कह गए उसके उल्टा। अब आप सोचिए कि ईसा मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारी आंखों में निष्पाप उतार जैसे कि अंग्रेजी में उल्टी बात हमेशा कहते हैं तो thou shalt not have adulterous eyes कितनी सूक्ष्म बात है। thou shalt not have adulterous eyes ये नहीं कि अडल्ट्री अडल्ट्रस आई भी नहीं चाहिए चित्त में भी अडल्ट्री नहीं होनी चाहिए बड़ी सूक्ष्म बात। और हम तो जो गए हैं परदेश में तो देखते हैं कि हर एक की आंख उधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर तो कोई देखा ही नहीं है जिसकी आंख चली सहज से पहले इधर आते हैं इधर आते हैं कोई आदमी को देख रहा कोई औरतों को देख रहा कोई सीट चल रहा कोई चीजों को देख रहा है। तो इस तरह की जो उनकी विशेष वाणी थी उसको किसने माना उसको कौन कर रहा कोई नहीं। कारण उसका एक ही है कि उनको आत्मबोध नहीं दर उनको आत्मबोध हो जाता। तो वाकई में मैंने देखा इन लोगों को जब परदेश में भी आत्मबोध हो जाता तो इनकी आंखें भी बिल्कुल स्थिर हो और स्थिर होकर के बहुत प्यार झड़ता है शांति और आनंद। ये कहां से हो गया ये कैसे हुआ क्योंकि जो आंख में विकृति आई थी वही निकल गई तो आंख शुद्ध हो गई निर्मल हो गई। जो ईसा मसीह ने कहा ऐसी आंख हो जाती तो उन्होंने जो कहा था वो कहने से थोड़ी हो सकता था। और प्रदेश में तो ये बीमारी जरूरत से ज्यादा तब हम लोगों को क्या समझ आता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हम करने का हर एक धर्म में ऐसा कोई ऐसा भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें लोग कहते कुछ है और करते कुछ कारण वो समर्थ नहीं माने जो है उसका अर्थ नहीं है सम अर्थ। कोई कहेगा मैं सिख हूं लेकिन शराब पिएगा कोई कहेगा मैं ईसाई हूं उसकी आंखों में गंदगी बनी रहेगी कोई कहेगा कि मैं जैन हूं और वो कपड़े की दुकान बनाएगा कोई कुछ जो नहीं करता वही कहे। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर अभी वो धर्म उतरा नहीं और जागरूक नहीं हुआ और सहज से ये जागरूक होता है। यह होने के बाद अपार होने के बाद आत्म साक्षात मिलने के बाद पर आप उसका मान नहीं रखेंगे और उसमें आप अपनी प्रगति नहीं करेंगे तो आपको न जाने क्या क्या तकलीफ हो सकती
और इससे पहले जो तकलीफ होती है वो आपको महसूस नहीं होगी, आप बहुत हो, क्योंकि अब आप संवेदनशील हो गए, सेंसिटिव हो गए। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमने जो इतनी बड़ी चीज पाई है उससे हम अलंकृत हो, उससे हम सज गए। अब हमें अपने वैभव में और अपने गौरव में उठना चाहिए। जैसे ईसा मसीह जब कब्र से उठे थे तो और भी खिल गया था उनका, उनकी बातें और भी सुंदर हो, और भी खुल के वो बातें। इसी प्रकार हमारे लिए एक वो बहुत बड़े सहयोगी है महाराज। देखिए उन्होंने प्राप्ति किया था, प्राप्त करके आए थे, और आपके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे कि आपका आज्ञा हो। सो अहंकार आज जो व्याधियां हैं उसे दूर रखना चाहिए। अहंकार जब बात करना चल जाए तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आप हिटलर भी हो सकते हैं। अपने और नजर करने से आप समझ जाएंगे कि आप जाने क्यों अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, और कुछ तो भी समझ करके दुनिया भर में आप छा रहे हैं। इस आज्ञा को जिसने तोड़ा है और जिसने हमें इससे ऊपर उठाया है, उस ईसा मसीह के चरित्र की ओर देखिए तो बिल्कुल निर्मल है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन निर्मल होना चाहिए। सहयोग में वैवाहिक जीवन और सबकी पूरी तरह से व्यवस्था है। हालांकि ईसा मसीह ने शादी में की जिनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से आप बिल्कुल सर्व सामान्य लोगों जैसे रह सकते हैं, और अंदर से आप असामान्य हैं, और अपने विशेषता को समझते हो जैसे ईसा मसीह अपनी विशेषता को, जैसे सूफी लोग अपनी विशेषता को समझते थे। अकेले अकेले उन्होंने दुनिया से लड़ाई ली और दुनिया में इतना कार्य किया, तो आपके जो इतने भाई बहन सारी दुनिया में छा, तो कितना आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप अकेले नहीं, सब लोग एक ही बात कहते हैं, सबको एक ही चीज प्राप्त हो। और जब आप इस चीज को पाते हैं तो इसका महत्व समझना चाहिए। इसके अनमोल और कुछ नहीं। हालांकि मैं बहुत खुश हूं कलकत्ते में इतना कार्य हो गया, ये सहयोगी हो गए, और इतना आपसी प्रेम है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फूट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस मामले में ये सोचती हूँ कि कुछ तो भी देवी की यहाँ कृपा है कि लोग इस तरह से सहज को प्राप्त करके उसमें उतर रहे। जैसे आदमी कार्य कर रहे हैं, ऐसा औरतों को भी करना चाहिए। और जब सब तरफ से सहयोग फैल जाएगा, तब आप देखना कि बंगाल देश इतने सुंदर स्वरूप में उतरे। आप सबको मेरा आनंद।
Thank you.
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका श्री